आप सभी का स्वागत है चैनल में जिसका नाम है इंडियन गेमिंग। तो काफी सारी धमकियां मिलने के बाद फाइनली हम खेलने वाले हैं WWE मेहम। अबे साले धमकियां नहीं यार, रिक्वेस्ट कर रहे हो काफी दिनों से। मैं भी सोच रहा था यार जल्दी से जल्दी इस गेम को खेलें, एक्सपीरियंस करें, रिव्यू करें। तो इस वीडियो को देखते रहो, इस गेम के बारे में सभी डिटेल के साथ हम गेम प्ले करने वाले हैं, यानी आपको डिटेल भी मिलने वाला है कि 2021 में क्या ये गेम हमें खेलना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल बहुत सारा ऑप्शन है हमारे पास, जैसे कि WWE Champions 2021, WWE Undefeated, जो हम सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हो, तो ये हमारा सीरीज नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट गेम प्ले है। और जब आप अच्छा सपोर्ट दिखाओगे इस वीडियो में, ये पहला पार्ट भी हो सकता है। मत करो, रन लो। क्या हमें WWE मेहम का सीरीज बनाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट जरूर करना। तो वीडियो कहीं भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस तरह का न्यू गेम के बारे में जानने के लिए, आने वाले गेम्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, नीचे रेड कलर का बटन है। तो चलो जल्दी से गेम प्ले में चलते हैं। तो WWE मेहम के होम स्क्रीन में आ चुके हैं। तो होम स्क्रीन काफी सिंपल सा है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करने वाला है। गेम के डिटेल के बारे में बात करते हैं। जब आप इस गेम को डाउनलोड करने जाएंगे, पहली बात तो 1GB डेटा आपका लगने वाला है गूगल प्ले स्टोर से। अंदर में आपको कुछ डेटा डाउनलोड करना नहीं है। 4.4 इसको रेटिंग मिला है, 10 मिलियन से भी ज्यादा प्लेयर्स है इस गेम में। और ये जो गेम ऑफिशियली लॉन्च हुआ था 7th दिसंबर 2017 को, जी हाँ काफी दिन, 3 साल या फिर 4 साल हो चुका है इस गेम को लॉन्च हुए, और रेटिंग काफी अच्छी तरह से मेंटेन किए हुए हैं। और मुझे अभी भी याद है जब ये गेम ग्लोबली लॉन्च हुआ था तो इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया था, जिसके बाद रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट इसके पब्लिशर बने इंडिया में, उसके बाद इसे लॉन्च किया गया था इंडिया में। और जैसे ही लॉन्च हुआ था हम इस गेम को खेले थे, वही है मेरा अकाउंट है, काफ़ी दिन से इस गेम को खेले नहीं। 2-3 रीज़न है जो आपको एंड में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम गेम प्ले करते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि गेम कैसा है, क्या हमें डाउनलोड करना चाहिए 2021 में इस गेम को या फिर नहीं। तो चलो, इसमें काफ़ी कुछ आपको एक्सप्लोर करना है, यानी बेसिकली इस गेम में कंटेंट का जो है भरमार पड़ा हुआ है। आप एक ही दिन में, यानी कभी भी आप इसे ख़त्म ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर महीने हर हफ्ते इसमें जो एक नया कंटेंट आ जाता है, जो रियल लाइफ में आप इवेंट्स वगैरह देखते हैं उससे भी इंस्पायर करके इस गेम में इवेंट्स लाते हैं, जो काफ़ी अच्छा है एक कोई भी एंड्रॉयड गेम के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यार हमारा जो फेवरेट गेम है उसके कंटेंट्स ख़त्म हो जाए। और WWE Undefeated में फिलहाल कंटेंट की बहुत ही ज़्यादा कमी है जैसे कि आपको पता ही होगा, लेकिन उस गेम को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो आप लोग, और पहला मैच बातचीत करते करते इसको जीत चुके हैं। ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। इसमें आपको बहुत ज़्यादा रोस्टर मिलेंगे, यानी सुपरस्टार मिलेंगे जिसको आप मैनेज कर सकते हो, लेवल अप कर सकते हो। इसमें आपको 6 क्लासेस मिलते हैं सुपरस्टार का। सबसे पहला है ब्रॉलर, हायर प्लेयर, पावर हाउस, टेक्नीशियन, वाइल्ड कार्ड एंड शोमैन। तो 6 डिफरेंट क्लासेस मिलेंगे आपको, जिसको आप बैटल के दौरान यूज करके एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज ले सकते हो। तो सेकंड मैच के लिए रेडी है। हमारा जो सबसे पावरफुल वाला सुपरस्टार है वो है ब्रॉक रेस्टर, जिसे हम ज्यादा से ज्यादा मैचेस में यूज करते हैं जीतने के लिए। तो सिंसके नाकामुरा को फटके झटके और सुप्लेस सिटी भी देते हुए ये है हमारा फिनिशर। तो लगभग जीतने ही वाले थे लेकिन जीते तो नहीं। फिर से दोबारा फिनिशर। सिंस के नाकामुरा सोच भी रहा होगा यार गेम प्ले में इतना बेइज्जती कब से होने लगा मुझे। कुछ भी। तो और उठने वाला नहीं है। ब्रॉक लेस्टर लगातार दूसरा विन। ये हुई ना बात, ब्रॉक लेस्टर को कोई नहीं हरा सकता। ऑब्वियसली इससे ज्यादा पावरफुल सुपरस्टार तो इसको आसानी से हरा सकते हैं। खासकर इस गेम के मेन फीचर्स की बात करें, इसमें आपको PvP के साथ साथ टैग टीम का भी फीचर्स मिलता है, यानी टैग टीम मैचेस भी आप इसमें खेल सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स पे। जी हाँ, इस गेम में नेगेटिव पॉइंट्स काफी ज्यादा तो नहीं लेकिन बहुत ही मेन है। सबसे पहले जब आप सुपरस्टार को कलेक्ट करते हैं, इसमें आपको स्टार वाइज सुपरस्टार प्रोवाइड किया, 1-star, 2-star, 3-star, 4-star, 5-star। जो 5-star आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा इस गेम में, जो लगभग आपका जिंदगी गुजर सकता है जब आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हो, या फिर फ्री में भी आपको मिल सकता है क्योंकि आपको कंटिन्यूसली इस गेम को खेलना पड़ेगा। वो एक नेगेटिव पॉइंट है। और मुझे लगता था यार जो भी हम सुपरस्टार कलेक्ट करते हैं 1-star या फिर 2-star, जैसे हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट किए उसके बाद उसको हम स्टार अप करते तो और भी अच्छा रहता। जैसे हम WWE Champions 2021 के गेम में खेलते हैं,
क्योंकि उसमें जब हम सुपरस्टार एक सुपरस्टार को कलेक्ट भी करते हैं उसको हम स्टार अप कर सकते हैं, लेकिन इस गेम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बॉक्सेस ओपन करके लेवल 5 स्टार के सुपरस्टार को कलेक्ट करना है, आप 1 स्टार के सुपरस्टार को 5 स्टार में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो मुझे लगता है एक नेगेटिव पॉइंट है, और दूसरा जो है इसके टैप टैप वाला मैकेनिक्स। जी हाँ, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आप इस गेम में एंजॉय कर सकते हैं। और एक लास्ट नॉट द लीस्ट, इसमें एड्स भी प्रोवाइड किया जाता है। जी हाँ, एक इतना बड़ा गेमिंग कंपनी, इतना बड़ा गेम इतने दिनों से रन कर रहा है हमारा एंड्रॉयड डिवाइस में, खेल भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, जब मैच एंड होता है तो आपको एड्स प्रोवाइड किया जाता है। कितना पैसा कमाएंगे यार, पैसा ही पैसा होगा। तो चलो, इतना सारा नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट है, पहले इस इवेंट्स को कंप्लीट करते हैं, यानी ये पूरा लाइन को हम कंप्लीट करते हैं सुपरस्टार को हरा के, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को हराना यार नामुमकिन लग रहा है इनके लिए। तो ये हमारा तीसरा मैच यानी चौथा मैच अलेस्टर ब्लैक के साथ, इसको मौका ही नहीं देंगे, सिर्फ मुक्केबाजी करके इसको हराने की कोशिश, और इसके साथ साथ एक फिनिशर भी लगाएंगे, सुप्लेक्स सिटी। डैमेज देख रहे हो 343। पिन डैम नहीं, कभी नहीं होता है हमारा ठीक टाइम में, कभी पिन नहीं होता है। ले पकड़, ये ले फिनिशर मार, इस बार तो यार मार दे, सुप्लेक्स यानी सुप्लेक्स नहीं यार, F5। और इसी के साथ इस मैच को भी जीतते हुए मजा आया। अभी फिलहाल रॉयल नंबर का इवेंट चल रहा है इस गेम में, तो जब आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो उसमें भी आप कर सकते हो। और एक सुपरस्टार है वाइल्ड कार्ड एंट्री का इवेंट को कंप्लीट करने के लिए, 3 घंटे के अंदर हमें कंप्लीट करना है इस इवेंट को, जो हम करने वाले हैं यार, क्यों नहीं करेंगे। और इसमें एनर्जी का भी फंडा है, एनर्जी खत्म हो जाएगा तो आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट मैच खेलने के लिए। और एनर्जी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें एनर्जी है बहुत ही जल्दी से जल्दी रिस्टोर होता है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाला है। बगटी के साथ ये आखिरी मैच मेन इवेंट, पावर बम्प, अब सिर्फ मुक्केबाजी चलेगा, पिन भी करने वाले हैं, लो हेल्थ, एक्जक्शन, सब कुछ उसको हो चुका है, अभी भी पिन करना है, नहीं कर पाएंगे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, ऑलमोस्ट था, हाँ पकड़ लेता, रॉक लेस्टर इतना आलसी नहीं बनना है, पकड़ ले, बहुत हार्ड। तो मुझे लगता है इसी के साथ बुकर टी और उठने वाला नहीं है, उसको स्ट्रेचर में जाके ले जाना पड़ेगा। अभी ब्रॉक लेसनर इस मेड इवेंट को जीतते हुए, दूसरे सुपरस्टार को यूज नहीं किए, गजब बेइज्जती है। उम्मीद करता हूँ सभी डिटेल आपको प्रोवाइड कर चुका हूँगा, फिर भी हमसे कुछ डिटेल या फिर फीचर्स मिस हो चुका है इस गेम से, कमेंट बॉक्स से आप ही के लिए है, शेयर जरूर कर सकते हो। तो जाओ डाउनलोड करो और एंजॉय करो इस गेम को। तो उम्मीद करता हूँ आपको अभी फिलहाल डाउट क्लियर हो चुका होगा कि 2021 में WWE मेहम को डाउनलोड करना चाहिए या फिर नहीं, और मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा क्योंकि आपने इस गेम को ऑलरेडी काफ़ी दिनों से खेल चुके हैं। हालांकि हमने भी खेले हैं, उतना नौसिखिया नहीं है, फिर भी यार अपना अपना एक नज़रिया होता है गेम को देखने का, खेलने का। तो कमेंट करके ज़रूर बताओ क्या आप इसे कंटिन्यू करना चाहोगे, यानी आप डाउनलोड करोगे इस गेम को या फिर नहीं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लोगो बटन को दबा के। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।